मुरैना नगर निगम के वार्ड क्रमांक 19 इस्लामपुरा में रहने वाली महिला को कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। दो दिन पहले ही महिला अपने मायके आगरा से मुरैना पहुंची है। वह आगरा से अपने पति और कार ड्राइवर के साथ मुरैना आई थी। कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने वार्ड नंबर 19 को कंटेनमेंट एरिया घोषित करते हुए पूरे इलाके को सील कर दिया। इसके साथ ही महिला को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। साथ ही उसके पति और ड्राइवर सहित परिवार के सभी सदस्यों को भी जिला अस्पताल में क्वारंटाइन कर दिया है। जिला प्रशासन महिला से पूछताछ करने में जुटा हुआ है कि इस दौरान वह किन किन लोगों के संपर्क में आई थी, ताकि उन लोगों को चिन्हित करके उनकी जांच की जा सके। इसके साथ ही प्रशासन इस बात की भी जानकारी जुटाने में लगा हुआ है कि आखिर आगरा, जो कि बेहद ही संक्रमित क्षेत्र है, वहां से मुरैना आने की अनुमति प्रशासन ने दी भी थी कि यह लोग बगैर अनुमति से चोरी छुपे मुरैना में प्रवेश कर गए। गौरतलब है कि मुरैना में पहले जो 14 मरीज मिले थे, वह सभी स्वस्थ होकर घर जा चुके थे। इसके बाद दो व्यक्ति जो कि इंदौर अस्पताल से भाग कर गए थे, उन्हें मुरैना में राजस्थान सीमा से गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह भी 24 अप्रैल को ठीक होकर घर जा चुके हैं। ऐसे में मुरैना में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या शून्य हो गई थी। मुरैना नगर निगम के वार्ड क्रमांक 19 इस्लामपुरा में रहने वाली महिला को कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। दो दिन पहले ही महिला अपने मायके आगरा से मुरैना पहुंची है। वह आगरा से अपने पति और कार ड्राइवर के साथ मुरैना आई थी। कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने वार्ड नंबर 19 को कंटेनमेंट एरिया घोषित करते हुए पूरे इलाके को सील कर दिया। इसके साथ ही महिला को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। साथ ही उसके पति और ड्राइवर सहित परिवार के सभी सदस्यों को भी जिला अस्पताल में क्वारंटाइन कर दिया है। जिला प्रशासन महिला से पूछताछ करने में जुटा हुआ है कि इस दौरान वह किन किन लोगों के संपर्क में आई थी, ताकि उन लोगों को चिन्हित करके उनकी जांच की जा सके। इसके साथ ही प्रशासन इस बात की भी जानकारी जुटाने में लगा हुआ है कि आखिर आगरा, जो कि बेहद ही संक्रमित क्षेत्र है, वहां से मुरैना आने की अनुमति प्रशासन ने दी भी थी कि यह लोग बगैर अनुमति से चोरी छुपे मुरैना में प्रवेश कर गए। गौरतलब है कि मुरैना में पहले जो 14 मरीज मिले थे, वह सभी स्वस्थ होकर घर जा चुके थे। इसके बाद दो व्यक्ति जो कि इंदौर अस्पताल से भाग कर गए थे, उन्हें मुरैना में राजस्थान सीमा से गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह भी 24 अप्रैल को ठीक होकर घर जा चुके हैं। ऐसे में मुरैना में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या शून्य हो गई थी। आज दो मरीज और पॉजिटिव निकले हैं, टोटल संख्या 3 हो गई है। एक जोरा तहसील में और एक पोसा में पॉजिटिव मरीज मिला। हालांकि एहतियात के तौर पर मुरैना जिला प्रशासन ने अभी भी मुरैना को टोटल लॉक रखा हुआ है। आज का अपडेट ये है कि और दो पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। दोनों का ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली का है। पहला व्यक्ति दिल्ली में ही काम करता था। उसके वहाँ वो मिलिट्री के किसी कैंप में था। कैंप में जब एक व्यक्ति पॉजिटिव आया, तब उसको यहाँ पे निर्देश हुए थे कि आके चेकिंग कराए, जिससे उसने आके सैम्पलिंग कराया और सैम्पलिंग उपरांत अब जो है उसको पॉजिटिव पाया गया है। ये व्यक्ति जौरा को बिलोंग करता है। जौरा से जब ये यहाँ पे आया है तो अपने मामा के साथ मोटरसाइकिल में आया है, इसलिए जौरा सब डिवीज़न के दो गांव को टोटल लॉकडाउन और कर्फ्यू में लाया जा रहा है। एक गांव है नरेला बरेगांव और एक है सैथरी। इन दोनों को जो है कंटेनमेंट में करते हुए कर्फ्यू घोषित किया जा रहा है। दूसरा व्यक्ति जो है वो मजदूर वर्ग का व्यक्ति है, काम करता था दिल्ली में। लॉकडाउन के बाद जो है संभवतः 29 या 28 अप्रैल को ट्रक में बैठकर मुरैना में प्रवेश किया है और ट्रक से बैठकर फिर जो है वो सीधा ही अपने साइकिल के माध्यम से जिला अस्पताल में आया है। उसका संपर्क शहर में कहीं पे किसी के पास नहीं हुआ है। इसकी हम और जांच पड़ताल कर रहे हैं और पुष्टि कर रहे हैं। ये अपने घर कोरसा में भी नहीं गया है, ये अपने बेटे के साथ ट्रक में बैठ के आया है। बेटा को नेगेटिव पाया गया है, लेकिन बेटे को भी अभी हम ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं और पिता जो है पॉजिटिव आए हैं। तो इस प्रकार से हमारे दो केसेस की और वृद्धि हुई है और अभी फिलहाल 3 जो केसेस हमारे मुरैना ज़िले में हैं, तीनों का ट्रैवल हिस्ट्री मुरैना से बाहर, एक आगरा की लेडी है और दो दिल्ली के हैं। इस प्रकार से 3 जो हैं हमारे मरीज हैं। सैंपल्स आज लिए गए हैं और सैंपल रिजल्ट अभी आना शेष है। रारस का चमरगवा को भी कर्फ्यू में हम लोगों ने ले लिया है। वहाँ पे कर्फ्यू घोषित है और टोटल लॉकडाउन है। उनके सारे परिवार के जन जो हैं 15 करीब व्यक्ति हैं, वो हमारे क्वारंटीन सेंटर में हैं।
इसी तर्ज पे जौरा के जो संभावित दोनों परिवार के सदस्य हैं, एक पेशेंट का खुद का परिवार और क्योंकि मामा बाइक चला के ला रहा था तो फिर उसके मामा के परिवार को जो है अलापुर हॉस्टल में जो है क्वारंटीन किया जा रहा है। इनके सैंपल्स कल लिए जाए। मुरैना से दिलीप दीक्षित की रिपोर्ट।